हेलो, राम राम बेचारिया ने ओटा का व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आपके और वे उम्मीद करो सारी राज्य खुशी होगी। वे मैं भी राज्य खुशी हूँ। अरे सुबह के बज रहे हैं 9:09 बजकर 10 मिनट। और आप आ लिए वगैरह रसोई में चाय पानी तो बना लिए। एक बार की तो मन तो पहली ई वाली काम वाली अदा दो ई वदा दो बनाऊंगी। और उससे पहले मैं लग रही हूँ रसोई में सब्जी रोटियां गए। सब्जी रोटी अगर मैंने सोची मैं खाना दुकान पर जाने का पहले ही बना दूँ रोटी, फिर भी चमाना पड़ा है ना, फिर बाज बाज का बनानी पड़ा है। मैंने सोची मैं तो बना के चालना, और बना के देखे चालना तो मैं बना के देना चाहूंगी। आके बनाऊंगी मैं 12:30 बजे से। और आज भी ना मैं 8 बजे से उठी ना, उठ कर ना चाय पानी पी के ना मैं 2-4 मिनट भी लेट गया चाय पी के ना। तो मैं तो जैसी लोटी तो उससे पहले मैंने चाह धरी ना मंदी मंदी आँच में सारे लत्ते धोए थे। मैं चली गई लत्ते ना फलान दई मगर ले गांव बहुत सुता चमका रहा था। कभी कुछ सुता चमका मैंने सोची चल तो लत्या ने फैला दी। तो मैं क्या कर मैं लत्ते फैला किसी मतलब लत्ते फैला कर ने अच्छा लेकर बैठी है थी। इतनी बार मैं इतनी बूंदी काली गता उठाई कुछ बार अंधेरा अंधेरा। मैं बोली मैं कभी रहने की अंधेरा हो गया एकदम तक दे लत्ते सुखा खाई थी। अरे सही फरियाले हो रही थी मैं कदे कपियाले हो जाना। मैं जी बाजी गई बार में देखो तो कुत्ते ने काली गटा नहीं ठगर काली गटा और कुत्ते ने बहुत अंधेरा नहीं ठगर कुत्ते ने जमा काली रात वर्गा बार हो रहा जी जी। मन तो बाज बाज का लगते उल्टे तार कने और गैलरी में तार बांध रखे है। उल्टे गैलरी में फलाए दुबने खबाते दे मेरी चाबी छिड़ी होगी वक्त लगते उड़े तो तारे तूरे इतने में थोड़ा बार देखने लग गई मौसम ने बाज जी। फिर मैं उल्टी भीतर आई। फिर मैंने सोची चाहते तो जब दो नहीं हो रही है मगर 8:30 बजे से 8:30 थोड़े 9 बजे तक नहीं आते मगर इतना आजाद दुआ बने तो जब बच्चा बना बस यही चाह में किसी का भी स्वाद नहीं है। फिर मैंने सोची चाह के गला गल चाह तो बनावेगी मैं रसोई में अपना काम भी कर ली क्योंकि 2-4 बजे बूंद आ गई मगर दुकान पर जाने का तो रहा नहीं। ऊपर तो टंकी का पानी खत्म होगा मैंने पानी चढ़ा मैं टंकी भी भर जाऊंगी इतना पानी भी हो जाएगा। अगर मैं इतना सब्जी रोटी भी बन जाऊंगी मैं इतना जद की चाह भी बनूंगी। अरे भाई मैं बनाने लग रही हूँ बनाई हुए अज छोले बनाऊंगी। मैंने सामने ना बेकस हुई थी और ये मैंने उबाल तो दिए ये देख है। उससे ना छोले मुंह बोल के आना घेर लिए थे वे मैंने दो आलू तो ये आलू भी बोल गए मैंने कट दिए ये छोले भी मैंने काट दिए। लून नाने घेर घेर के ना मैंने जब कर रखे तो उबाल रखे थे हूं तो जब उस बनाऊ ना तो कई बार तुम्हारा चाय की पत्ती घेर के ना काले भी कर लिया करो। पर आज मेरा काले छोले खाने मन नहीं था तो चावला गला मेरा धोले खाने मन था ये भी उबाल लिए बेबे ये भी उबाल लिए। अरे ये होना छौंक तैयार कर लिया ये देखो। अरे तुम छौंक ही ना बुझोगे क्यों कुकर तैयार करा पे मैंने ना पहले प्याज कर ना। अरे प्याज गिर के कुकर में अपना बूंद गए ना जितना पा गंठे बूंदा अपना छौंक के। अरे मैंने दो टमाटर और एक प्याज और दो लहसुन की डोडी मोटी होती और दो हरी मिर्च छोटा सा अदरक का टुकड़ा वे मैंने मिक्सी में गेर के पेस्ट सा बना दिया था। अब देखिए लग दिखा ना तो मैंने लाग गई जब मैं ना हो बादल आती ना दोबारा देखने गई ना मेरे थोड़े से गंठे लाग गए थे कुकर में वो जल सा गया था। इससे करके मैंने था छोके वीडियो ना बनाई ना नू सोचोगी अगर बेसुरी लुगाई है आज मेरे ना जल गए गंठे मैं के करूँ बेरा ना के। और वो तकाजे तकाजे मैंने मंदी गैस ना तो मंदी गैस करके जाऊँ मैं वहां तक मैंने मंदी गैस करनी भूल गई। तेज दिन छोड़ कर चली गया था मैं तबड़ी ली थी
ना इतने मेरे प्याज कटी जल लिए, तो मैं बोली मैं कहीं इतने जलाए दुनिया तो मेरे मारी जलाए जलाए, अगर रिश्तेदार अरे जान पहचान वाले तो मेरे तो जलाए हैं, मैंने कहा गंदे भी मेरे तो जलाए हैं, इनका भी मेरा चारा पट रहा। फिर बात कर मैंने सोची भी नहीं कि वीडियो बनाऊंगी जो कह देंगे आगे बेसुरी है कि प्याज जला दिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी में जल गए मेरे। फिर मैंने सीधे टमाटर घेर दिए, तो मैंने मैं कहा छोले ये बना दो, हर गला गल मैंने ना पानी उबाल दिया चावल का, यूं मना कहा ये छोटे से पतीले में बेटा इतने बतेरे छोटे से पतीले में चावल, ये मैं चावल उबाल दूंगी ये मैं छोले बना दूंगी। अरे दे मैंने चावल भी दो दाग कर दिए, ये दो दिए चावल भी, अरे ये भी न गेर दूंगी इसके माँ, अरे छोला के सीटी लग जाएगी, इतने चावल बनाएंगे अदर दो की चाह बनाएंगी। देवे एम ना फोन में धरी हूँ, बात भी हो जाएगी काम भी हो जाएगा है ना। तो ये मैंने क्या करा मैं कल भाई ये बन जाएंगे, अरे मेरा काम भी हो जाएगा सारा, मगर दोनों काम हो जाएंगे मेरी के नाम से, थोड़ा सा नौकर ले हाँ जीती रहोगी तब मन है। तेरा एक दिन से ना एक अचार्ज खत्म हो गया, आज जी मैंने पूरा ब्लॉग बना लिया, और मैं बंदे गई और उसमें आवाज कुछ ना जावे, और इसकी चार्ज खत्म हो गया, मैं लग भी रही अपने अपा पाछा देखा ये भगवान तो सारा ब्लॉग जिंदगी का बन गया। फिर दोबारा के वहां बात होया करे, के याद रहे के बात के नहीं जी जी मैंने ना बड़ा दिखाया उधर, आज मैंने बार बार मैं चेक करती हूँ आज भी है। तो फिर अपने छोले घेर देंगे सारे ना घेरू, थोड़े बचाऊंगी फिर मैं इसकी कुछ और डिश बनाऊंगी सामने ना, इन्हें मैं ना वो डरी दो बर्गर से, अरे ये अपने आलू के खाना ना दो बजे बर्गर से, उन्हें सेक ताड़े का ना सुतरे तवे पे, और इनमें प्याज व्याज टमाटर वमाटर और अटरम सटरम मिला मिलो कर इन बर्गर के बीच में बर्गर दे दूंगी, रज्जी हो जाएगा छोरा। अरे यो गिर जाए नून, अरे वे मैं सफेद नून नहीं खाऊ, डॉक्टर ने जब तक बताई है सफेद नून के नुकसान, जब तक नुकसान बताए हैं आयोडीन नमक के, उसके बाद मैं नहीं खाया करूँ, मैं रखा करूँ सेंधा नमक, सेंधा नमक भी खुद ले आया करू गड़ा आकर कुटिया करूँ, और फिर उन्हें मिक्सी में पीसा करूँ गड़ा, बारीक भी नहीं पीसा थोड़ा मोटा मोटा हाई पीसा, अरे मैं सेंधा ही लून खाया करूँ, मैं नहीं खाया करूँ शाम। अरे डॉक्टर ने बताई कि शीशे के वो बर्तन में रखना चाहिए, शीशे के मतलब वो के होता है मिट्टी के बर्तन में, कल हम कहते थर याद होगा दादी नानी मोदी का की कही है ना एंडी में रखा करती नून, अंडी में दरी तो वो भी कोई साइड इफेक्ट और इफेक्ट वो है, इस करके मैंने भी भला मैं प्लास्टिक के डिब्बे में रखा करती, डॉक्टर ने बताया पता जी मैं भी शीशे के बोट में रखा करूँ नमक। अरे कुछ ना कुछ तो बात होती होंगी जो अपने टलड़े मान्या करते जिन बातों ने, तो वे मैं तो उनका फायदा है उसका होगा या कुछ नुकसान होता है जब बताओ माता बताया करते ना, इसलिए दीदी मैं भी रखा करूँ, मैं अपने चावला ने और गिर दू, और फिर मैं नान बढ़ जाएंगे ना इतने दोनों चीज बनी पाऊंगे, मंदी मंदी आंच पे चावल भी बन जाएंगे मेरे, अरे मेरे छोले भी बन जाएंगे। तो छोले में गेर दूंगी मैं दीदी 1-1.5 गिलास पानी, मतलब गणा ना गेरू पीसा गेरूंगी, तो छोले डूब डूब जाए डूब कही के बन जा डूब का मर जा कहूँ डूब का बन जा, ठीक तो पानी डालूंगी 1/2 गिलास था खाई मैं गिर पानी बच रहा था, छोक में गिरना गिरा था थोड़ा हल्दी में उसका बच रहा था, ये देवे भैया
10 ਗਿਲਾਸ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾ ਗਿੱਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਘੜੇ ਘੜੇ ਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਬਣੇ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟੂ ਪਿੱਟੂਗੀ ਨਾ, ਛਿੱਟੂ ਕੁੱਟੂਗੀ, ਉਹ ਜਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਤਨਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਡੁੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਹੈ, ਬਸ ਗਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੁੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਆਚ ਪਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਮਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਬਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਮਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਖੂਬ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਤੀ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਸਾ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਆ ਚਾਵਲ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਗਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਥਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਚਾਵਲ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਊਂਗਾ। ਕੱਲ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਰੋਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਵਲ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਚਾਵਲ ਛੋਲੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੁਬਹ ਕੇ ਖਾਈ ਉੜੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਸਾਂਝ ਕੇ ਖਾਈ ਉੜੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਬਣੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਬਤਾਊਂਗੀ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਓ ਆ ਰਹੀ, ਇਤਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਚਾ ਮੰਦੀ ਮੰਦੀ ਆਸ ਪਾਸ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਨਾ ਚਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਸਾ ਨਾ। ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਤਰੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ, ਕੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹਾਨੀ ਪਟ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਫੈਂਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਿਰੇ ਨਹਿਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ ਛੁਰੀ ਉਹ ਹੱਥ। ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਲੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਹਿ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਤਰੇ ਨਾ, ਬੇਸਕ ਤਾਂ ਜਲ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਕ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਸੁਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਚਮਚ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਟ ਦੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹ ਗੋਟ ਦੂੰਗੀ, ਇਸੇ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤ ਬਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਆਈ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪੈ ਆਪਦੇ ਨਾਏ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਥਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਨਿਗਾਗਰਿਆ ਦੁੱਖ ਤਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਛੋਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੇਸਕ ਸੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਓ ਦੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਗੋਟ ਦੂੰਗੀ ਨਾ, ਤੋਰ ਵੀ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਸਭ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਔਰ ਬਈ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਔਰ ਬਈ ਨਗਾਗਰੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਬਈ ਬਲੋਕ ਕਿਸ ਲਾਗਾ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਛੋਲੇ ਕਿਸ ਲਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ।